Thank you, Joseph. Thank you. Thank you. सुना है तेरे दोस्त तुझे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि तेरे दोस्त अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, या फिर तू खुद हमारी कस्टडी से फरार हो जाए, क्योंकि दोनों सूरतों में मुझे तुझ जैसे टेररिस्ट जो जगह जगह बॉम्ब प्लांट करके मासूमों की जान लेते हैं, उनके साथ वो करने का मौका मिलेगा कानूनी जो मैं वैसे नहीं कर सकता था। तेरे जैसे इंसान के भेजे में गोली उतारेगा। उम्मीद है कि तू और तेरे साथी मुझे निराश नहीं करेंगे। चले। बंदूक बंदूक लेके आए हो, तब सब चेक किया ना कि ये हथियार हथियार सब चालू है? यस सर, सारे के सारे हथियार एकदम चौकस है। पक्का? पक्का। श्योर ना? श्योर। तुम्हें पता है ना कि असली बहादुर पुलिस वाला कौन होता है? कौन? जो अपने सीनियर के लिए अपनी जान दे दे, सीनियर पे आई मुसीबत अपने सर पे ले ले, सीनियर पर चली गोली अपने सीने पर खा ले, कुछ भी हो जाए लेकिन अपने सीनियर पे आंच ना आने दे, वो होता है असली पुलिस वाला। देश का भक्त, देश का सपूत, देश का लाल। सीनियर की सुरक्षा है देश की सुरक्षा, समझ रहे हो ना बात को? अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, हम अपनी जान भी दे देंगे आदित्य सर के लिए। आदित्य सर के लिए? हाँ, मतलब आदित्य सर हमारे सीनियर है ना। तो मैं क्या तुम्हारा सीनियर नहीं हूँ? मैं क्या लॉटरी में निकला हूँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, आप भी हमारे सीनियर ही हो। चलो आपके लिए भी गोली खा लेंगे। ये जो जज्बा है ना, इसे जला के रखना सारे रास्ते, अपने अंदर इस आग को जलाए रखना, क्योंकि सीनियर है तो देश है, वरना कुछ नहीं। क्या है तो क्या मंत्र भूख रहा है उसके कान में? देशभक्ति की लौ जला रहा हूं यार इसके अंदर। इधर आ, अपनी मशाल यहां बैठ के ठंडी कर। इधर आ। हाँ, क्या है? क्या है? नहीं, क्या खड़े खड़े वहां क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? एक सिपाही को उसका फर्ज याद दिला रहा था। मैं उसे याद दिला रहा हूं कि गदर में सनी देओल ने क्या कहा था। ये मुल्क मेरी मां है, मां रसूल मलिक, और अगर मेरी मां पे किसी ने उंगली उठाई तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके। सर, अरे उठाओ, साहब को उठाओ। सर, सर, उठाओ, 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 अरे 1275 लेवल क्रॉस। रे चार्ज रे बाबा, चार नहीं होगा। गुड मॉर्निंग सर। अरे तुम्हारे पास किसी के पास चार्जर है?
कहाँ जाके बप्पा की भैंस? अरे मेरे मोबाइल भूल गया चार्ज करने को यार, इसका ये पूरा वो बंद हो गया। दादा नहीं है आते, इतनी इज्जत मिली मेरे को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अब चार्जर मांगा तो क्या सांप सूंघ गया। ये देखो सर, यहाँ छुपा के रखो है चार्जर। ये बताओ कैसे कैसे छुपा के रखो है? अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे चार्जर है, बोलो। अरे सर कैसी बात हमने कर रहे हो, चार्जर ही तो मांगो है, कौन सी किडनी मांग ली आपकी है? लो सर अपनो समझ के इस्तेमाल करो है। अगर इसको कभी किडनी की जरूरत पड़ जाए ना, क्या किडनी सड़ जाए ना, तो कुत्ता भी किडनी नहीं देगा, मेरी बद्दुआ जाते रहो। और दे चार्जर। अरे गाड़ी जरा देख के चला, गड्ढे में मत चला। अरे गड्ढे में रास्ता ढूंढ रहा हूँ, इतने गड्ढे रास्ते में। अरे गड्ढे रहने दे यार। क्या क्या घूर क्या रहा है? अरे घूर रहा यार। ठीक है ठीक है। हेलो ऑफिसर आदित्य, मैं जानता हूं कि इस समय तुम लोग राशुल मलिक को अवड़ा जेल लेकर जा रहे हो, लेकिन प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज है। अब राशुल मलिक को तुम लोग अवड़ा जेल नहीं, जहां मैं कहता हूं वहां लेकर आओगे। कौन बोल रहा है? क्या फर्क पड़ता है? मुद्दे की बात यह है कि तुम्हें मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, इसलिए जैसा कहता हूं वैसा चुपचाप करते जाओ। और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसा तू कहेगा वैसा मैं करूंगा? अपने कमिश्नर की जान बचानी है तो ये सब तो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा कमिश्नर जिस कुर्सी पर बैठा है उसके नीचे मैंने टाइम बॉम्ब लगा दिया। व्हाट, क्या बकवास कर रहा है तू? और कमिश्नर की कुर्सी पर बैठते ही बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका है। तुम्हारा कमिश्नर अगर सीट से उठा तो बम फटा, वो जब तक कुर्सी पर बैठा है तब तक जिंदा है। बम शाम के 6 बजे तक के लिए फिक्स किया गया है। शाम को 6 बजे के पहले पहले अगर तुम लोग राशुल मलिक को लेकर मेरी बताई हुई जगह पर नहीं पहुंचे तो फिर कमिश्नर अपनी कुर्सी से उठे ना उठे बम फट जाएगा, तो फिर कमिश्नर की मौत के जिम्मेदार तुम हो गए। मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ, इसकी तसल्ली तुम चाहे जिस तरह करना चाहते हो कर सकते हो। अब तो मेरी बात। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ, कौन था? मानव, किसी ने कमिश्नर सर के कैबिन में घुसकर उनकी कुर्सी के नीचे बॉम्ब प्लांट कर दिया है, और उसका कहना है कि इस राशुल मलिक को उसकी बताई हुई जगह पर लेके आओ, और अगर ऐसा नहीं किया 6 बजे से पहले तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, और वैसे भी अगर कमिश्नर सर ने उठने की कोशिश की तो बॉम्ब वैसे भी ब्लास्ट हो जाएगा। कमिश्नर सर का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? गॉड, बोलो। ए फॉर एप्पल। बहुत अच्छे। बी फॉर बड़ा एप्पल। अरे वाह बहुत बढ़िया भैया। सी फॉर छोटे एप्पल। जीनियस हो तुम। डी फॉर दो एप्पल। इंटेलिजेंसी पराकाष्ठा हो मतलब, हमें गर्व है तुम्हारे टीचर होने पर। चुम्मी ले लो तुम्हारी पकड़ के नहीं, लेकिन होंठ काले होने को खतरा है। ओ गुरुदेव डीआईजी, जरा ये फाइल उठा के दो मुझे। सर पास में तो रखिए, आपके नेक कष्ट कर लो। अच्छा सीनियर कौन है? मैं हूं ना सीनियर, जैसे बोलता हूं वैसा कर, फाइल उठा और मुझे दे। चाहे मैं सीनियर जूनियर की क्या बात है गई।
जूनियर है ना, सारे काम हम ही करेंगे। ठीक है, स्पीकर ऑन। हेलो डीआईजी, कमिश्नर सर कहाँ हैं? अरे आदि सर, कैसे हैं आप? कमिश्नर सर तो हवाले ही आए, केबिन में होंगे अपने। तो उनका फोन क्यों नहीं लग रहा? उनका फोन ना लग रहा? अरे हाँ, उनके फोन में बैटरी ना आती, चार्जिंग पे रखा तो हमारे नहीं लग रहा होगा। अच्छा डीआईजी, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जब तक मेरे सर से बात नहीं होती तब तक सर को अपनी कुर्सी से उठने मत देना। वो क्यों सर? डीआईजी बीच मत बोल, पूरी बात सुन। अरे पूरी बात सुन रहा है यार। मानव सर सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। डीआईजी बात सुनी? जब तक मेरी बात सर से नहीं होती तब तक उनको अपनी कुर्सी से खड़े मत होने देना। और एक काम कर, पूरा पूरा हेडक्वार्टर विकेट करा, सबको बोल कि हेडक्वार्टर से दूर, बहुत दूर कहीं चले जाए। पर क्यों सर, कहाँ है वो? रिया जी, किसी ने सर के चेयर के नीचे टाइम बॉम्ब फिट कर दिया है। तो 6 बजे फट जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले भी सर ने अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश की तो वो टाइम बॉम्ब फट जाएगा। सबको बाहर भेज जल्दी, और जब तक मेरी सर से बात नहीं होती सर को अपनी कुर्सी से उठने मत देना। डीआईजी, डीआईजी जो भी कुछ करना है हमें जल्दी करना है, इसलिए जल्दी कर वरना वहां सबके सब मारे जाएंगे। चलो चलो पोजीशन, चलो 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 चलो। अरे सुनना, मैं बाद में आता हूं। मतलब फुल चार्ज हो गया। आप ये कुर्सी से नहीं उठ सकते और मैं आपको उठने भी नहीं दूंगा। अरे क्या बात कर रहा है भाई यार, सांस उठ रही, मेरी दम घुट रहा है, क्या कर क्या रहा है बे? अबे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। नहीं 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 नहीं, हटियो मत ना, उठने मत दियो सर को, हम भी आ रहे हैं। क्या कर रहे बे तू? जान बचा रहे सर आपकी? जान बचा रहे कि जान ले रहे जी? अबे दम घुट रहा बे। नहीं सर, आप नहीं उठ सकते सर, पहले मेरी बात सुन लीजिए। क्या आदि सर का फोन आया था और उन्होंने कहा आपके सीट के नीचे एक बॉम्ब है। बम सर, बम, टाइम बम सर, 6 बजे फटेगा, और अगर अभी आप अगर उठ गए ना या कुर्सी से तो हवाले ही फट जाएगा सर। नहीं उठूंगा, दम घुट रहा है सर। घुटने दो, लेकिन मैं आपको नहीं उठने दूंगा। फोन उठाना मेरे को? नहीं सर, पहले प्रॉमिस कीजिए क्या आप फोन उठाएंगे, लेकिन आप नहीं उठेंगे। फोन उठा लूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। प्रॉमिस, फोन उठाएंगे। ओके। हेलो सर, सर आप ठीक तो है? अरे आदि मैं ठीक हूँ। ये डीआईजी बॉस क्या बोल रहे, मेरे नीचे बम रखा हुआ है? जी सर। सर किसी का फोन आया था सर, वो कह रहा है रसूल मलिक को आवड़ा जेल की बजाय जिस लोकेशन पे वो कह रहा है वहां ले जाओ, ऐसा ना करने पर वो आपके साथ साथ पूरे हेडक्वार्टर्स को उड़ा देगा। सर अगर उससे पहले आपने अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश भी की तो बॉम्ब फिर भी ब्लास्ट होगा। लेकिन सर आप चिंता मत कीजिए, मैंने बॉम्ब स्क्वाड को इन्फॉर्म कर दिया है, वो जल्दी वहां आते होंगे। अरे मजाक है क्या, हेडक्वार्टर में कोई आके कमिश्नर को बम से उड़ा देगा? क्या बात कर रहा है, फालतू बात है। कोई बम नहीं इधर, तो बम मार रहा होगा खामखा, बम नहीं है इधर। आपके नीचे बम है। माने रहा कि बम है? ये बड़ा बम है सर, पिज्जा जैसा बम। अरे पोपला बम होगा रे, नकली बम, बच्चों का खिलौना जैसा। अरे ये नहीं फटने वाला। मैं क्या बोल रहा हूँ सर आपसे कि जब तक बॉम्ब स्क्वाड वहाँ नहीं आता ना, तब तक हमें इस बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए सर। सर लाइटें भी जल रही हैं, पीली पीली लाइटें लुप लुप आ रही हैं सर। अरे बच्चों का खिलौना होगा रे, लाइट जल रहा, फाइट जल रहा, हट। हेलो। तो कमिश्नर साहब, आपको लगता है कि जो बम मैंने लगाया है वो नकली है? अच्छा तू है जिसने मेरे नीचे बम रखा है? सर 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 सर, क्या ये वही आदमी जिसने बम प्लांट किया है? हाँ वही कमीना है। सर आप जरा स्पीकर पे डालिए सर फोन को, प्लीज। तू भी फोन जरा स्पीकर पे डाल, स्पीकर पे डाल। हाँ मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ कमिश्नर साहब। हाँ क्या आपको लगता है जो बम मैंने आपकी सीट के नीचे प्लांट किया है वो नकली है? बिल्कुल नकली है, 100%। लेकिन ये बम, ये धमकी ना, फालतू किसी और को देना। अपुन तेरे नौटंकी में आने वाला नहीं है, समझा ना? रोज खाते रहता हूँ, नल्ली नहारी की तरह देते फालतू धमकियां। ठीक है ठीक है, आप 10 तक गिनिए और देख लीजिए कि बम असली है या नकली। बम का रिमोट मेरे हाथ में है और आपके 10 गिनते ही मैं रिमोट का बटन दबा दूंगा। बम फटा तो मैं सही,
नहीं फटा तो आप सही। अबे दस क्यों आजा करने वाले ने हम लोग क्या बोलता रे सही है क्या सही है आप सर सही हो लगे रहो सर हम हैं आपके साथ सर हम यहीं पे खड़े रहेंगे नहीं हिलेंगे फटेंगे तो आपके साथ ही फटेंगे और अगर बम नहीं फटाना सर तो बम में घुस करके नहीं हम फट जाएंगे सर दिल दिया है जान भी देंगे ए शर्म तेरे लिए रटिया जी सुना क्या ए चिरकुंडे सुना क्या ये है पुलिस फोर्स ये हमारे जवान सिपाही दिलेर बहादुर सिपाही तू गिनता है क्या मैं गिनता हूँ गिनने की बात करता है ले एक सर तो सीरियसली लगा है दो तीन भरत तो दयाम फटने का जरा सर 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 आप मेरी उससे बात कर रही सर बम वाले से बात कर रही मेरी सर अरे क्या कर रहे हैं सर आप यार सर प्लीज सर अरे समझाना यार बम फट जाएगा सर मेरी बात सुनिए सर सर सुनिए बात सुनिए सर प्लीज सर मत कीजिए ऐसा सर नौ दस सर दस सर सर हेलो सर आदि हेलो हाँ हेलो सर सर आप ठीक है कमिश्नर साहब बिल्कुल ठीक है आदित्य देव क्योंकि ये बॉम्ब उनके केबिन में नहीं स्टोर रूम में ब्लास्ट हुआ मेरा सबसे छोटा मेरा सबसे नाजुक बम और ये धमाका महज इसलिए किया गया कि आगे से अगर मुझे किसी ने हल्के में लेने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा कमिश्नर की जिंदगी और मौत के बीच में उतना ही फासला है जितना मेरी उंगली और रिमोट के बटन के बीच सुनाना सुना तूने सर दोबारा प्लीज कोई ऐसी बेवकूफी वाली हरकत करने की कोशिश मत कीजिएगा ये जो बम का केस है ना सर आप प्लीज हमें हैंडल करने दीजिए और मैंने बॉम्ब स्क्वाड वालों को इन्फॉर्म कर दिया वो आते ही होंगे तब तक आप नहीं उठूंगा ही नहीं मैं किसी के भी नहीं सुनूंगा मैं किसी के बाप की नहीं सुनूंगा मैं जिंदगी में यही बेटर होगा तू जो कर रहे तू कर ओके सर ख्याल रखिए हेलो राशुल मलिक को 6 बजे से पहले वर्सोवा बंदरगाह पहुंचाओ वो वहां से दूसरे देश की शिप लेगा राशुल मलिक इस देश से आजाद तुम्हारा कमिश्नर अपने सर पर लटकती मौत से आजाद याद रहे वर्सोवा बंदरगाह 6 बजे से पहले अरे कैसे पहुंचाए रुको जरा केला है क्या के लिया छीला और खा लिया अरे भाई टाइम लगता है अरे ये बात हम अपने डीजीपी सर को बताएंगे डीजीपी सर अपने सीनियर्स को बताएंगे सीनियर मंत्रालय में इसके बारे में बात करेंगे मंत्रालय में डिसाइड होगा कि राशुल मलिक को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है ऑफिशियल ऑर्डर पास होंगे उसके बाद हम तुम्हारी बताई हुई जगह पे राशुल मलिक को पहुंचा पाएंगे
भाई रुक जाओ, हलवा नहीं है, इस तरह नहीं होता है, टाइम लगता है, प्रोसीजर है पूरा का पूरा, फॉलो करना पड़ता है, वक्त लगता है। मैं समझता हूँ, पर बॉम ये बात नहीं समझता। राशुल मलिक मुझे 6 बजे से पहले वर्सोवा बंदरगाह पर चाहिए बस, वरना एक धमाका और तुम्हारा कमिश्नर ऊपर। हेलो, हेलो,